ठीक लग रही है। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज, मुझे पता है ये बात। हाइजीन 0/5, कॉकरोच चल रहे थे हमारे साइड में। अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया था जाके। Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another vlog. I hope you all are doing fine. And title, I don't know इस video का मैं क्या रखने वाली हूँ, but then आज का video एक बहुत ही special vlog होने वाला है. So why not document it and make it a memory everlasting? So yes, ये vlog होने वाला basically tomorrow I'm gonna meet माई इंटरनेट फ्रेंड, माई इंटरनेट बेस्टी। उसको इस बार मैं सेकेंड टाइम मिल रही हूँ। जब मैं पिछली बार मिली थी उस टाइम पे आई डिड नॉट शूट, उसने बनाया था व्लॉग। सो वही मिनी व्लॉग हमने मेरे इंस्टाग्राम पर डाला था, चेक कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। बट येस, टुमारो अगेन आई एम मीटिंग हर। तो हम लोगों का प्लान काफी टाइम से हो रहा था, बट देन आर डेट्स वर नॉट मैचिंग। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 30-31 में मिलते हैं, बट देन आई वॉज लाइक इसी अराउंड मिलना है तो लेट्स मीट ऑन फर्स्ट, बिकॉज इफ यू डोंट नो, फर्स्ट इज माई content creation journey's anniversary, my YouTube channel's anniversary, my baby is turning 2 tomorrow and I'm so happy for that. तो उसी को हम लोग, आई एम लाइक नॉट एनी ग्रेट सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट देन येस आई वॉज लाइक लेट्स हैव लंच टूगेदर, यू नो, टू जस्ट यू नो सेलिब्रेट थोड़ा सा। सो दैट इज वट इज प्लान। एंड ऑल्सो आई एम मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग माई बेस्ट फ्रेंड ऑन सैटरडे। सो ये व्लॉग पूरा ही ऐसा कंपाइलेशन होने वाला है, अभी कुछ भी प्लान नहीं है। आई डो नॉट नो कि अभी मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं, बट देन येस आई थॉट टू टेक यू अलॉन्ग द जर्नी। सो येस येस येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 2 साल हो गए यार, अब तो कर ही दो सब्सक्राइब। एंड येस, लेट्स बिगिन द व्लॉग टुमारो मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। Shoot like properly abhi subah because everybody was sleeping and I did not want to disturb them. So abhi chalte hain office and lunch time pe chalenge mere internet bestie se milne. Many hours later. ऑलरेडी रीच हियर एंड मैडम ने मुझे बोला था 1 बजे लंच करने को, इट इज ऑलरेडी 2:30 एंड वो अभी तक नहीं आई है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आई ऑलवेज मीट पीपल फॉर नॉर्मल टाइम एंड नाउ माई हेयर इज नॉट बिहेविंग फॉर सम रीजन। बट देन या द चॉइस ऑफ द रेस्टोरेंट सो गुड, मेरे को बहुत ही बेकार आता था, आई कैन नॉट लाइक चूज कि कहाँ पे जाना है क्या करना है। शी चोज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड डिलीशियस एंड आपको आवाज आ रही है ट्रेन। I'll show you the train. I think it is coming this side of you. But it is so cute. Like यहाँ पे ऐसे ऐसे tracks भी छा रखे हैं हर जगह पे and any tracks पे हम लोगों को खाना deliver होगा। But then yeah, now I'm waiting for her to arrive. And also I think अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, so let's just have a chat until she comes. So today I have like completed 2 years यहाँ पे। Oh, stations के नाम भी लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है पुणे, यहाँ पे लिखा है रांची। It's cute, like everything is, the detailing is so good. I see a cute baby, so cute. I'm not capturing her on camera because I don't know if her parents would be, you know, would give me the consent or not. But anyways, वो छोड़ो, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आज मेरा content creation की journey को, YouTube के channel को 2 साल complete हो गया। Today is 1st of June when I'm vlogging this. Yeah, then I'm very very happy. I'm so thankful and grateful for you guys to be there with me in this journey. Thank you so much. Keep supporting me the way that we have. And now I'm just gonna sit here and wait until she comes. A few moments later. भाई ये बड़ा cute सा restaurant है, मुझे अच्छा लगा। ये actually मैं गई थी जयपुर।
कुछ टाइम पहले लाइक हो गए एक साल मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी मैं ठीक है सब्जी फाइनल करते हैं फिर बुला लेते हैं क्या खाना है पनीर खाने मशरूम खाने वेजिटेरियन नॉट माय फोर्टे हाँ दैट आई गेट कीवी ब्लॉग्स आई लाइक टू कीवी तो ऐसे अलग अलग भी मंगा सकते हैं ये तीनों ही अलग है इन तीनों को बुला लो ठीक है इन तीनों को बुला लो गाने पुराने जब से नए हो तो ऐसे ही हाँ चल रहे टीवी ब्लास्ट लास्ट ही हो रहा है इतना बड़ा तुम केक ले आई उसको करेंगे क्या केक लेके ऑफिस भैया हाय बोल दे मेरे ब्लॉग हाय अगली बार आएंगे ना आप पहचान लेना हमें पहले डिस्काउंट दे देना आप मुझे बता दीजिएगा ऐसे मैं पहचान नहीं पाता मैं मेमोरी लॉस का मरीज हूं अरे मैं आपको आपकी वीडियो दिखाऊंगा ना आपने हाय बोला अभी ठीक है फिर आपको मैं डिस्काउंट देता हूं ये मुझे बहुत पसंद आया टीवी लाइक मेरा नाम इसको ही पहन के ऑफिस आऊंगी मैंने कैसी बहुत सही बात है थैंक यू सो मच इसका भी पेज है झुमके वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी पर्सनली भी कंटेंट क्रिएटर है एंड स्मॉल बिजनेस भी है तो आप चेकआउट जरूर करना आप बताओ अपने बिजनेस के बारे में डेफिनेटली सो इट्स अ ज्वेलरी बिजनेस जहाँ पे वी डील इन चंकी ज्वेलरीज स्पेशली झुमका बिकॉज उसका नाम ही झुमके वाला है so make sure you guys check that out and guys इसको भी like we do deal in like hoops also and handmade jewelries also जो trending होती है ना we try to capture that so do check that out मैं पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसके यूट्यूब चैनल भी है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी तो जरूर चेक आउट करना so I am back finally इतना बढ़िया दिन था oh my god I had no idea that she had like all those celebrations I did not know that she was planning to, you know, cut cake and all. Thank you so much, Sakshi, for making my day so special. I did not have any celebration in mind. I was already happy that, you know, I was gonna have lunch and celebrate it with you. But then that just made me happy. Thank you so much for making my day. Other than that, the food us restaurant mein was good. Like the paneer we ordered. The naan we ordered was good. The malai chap was very bad. Like it was very, very, very bad, and the quantity also. And it, like, excuse me, I'm just unwinding from the day because I'm already very, very tired. So yeah, I'm just you know reviewing the restaurant. So like, I think iske all over India, काफी सारे branches हैं. So if you ever get a chance, definitely visit. मतलब it is a unique experience. द ट्रेन वाला सिस्टम मैंने इससे पहले नहीं देखा है कहीं पे सो आई रियली लाइक दैट बट फूड वॉज लाइक गुड बस वो चाप मुझे पसंद नहीं आई सो मे बी यू नो जस्ट ट्राई एक दो बार कि वॉट यू आर लाइकिंग एंड वॉट नॉट एंड या दैट वॉज अबाउट टूडे आई रियली हैड
सो मच फन. बट ये व्लॉग मैं अभी एंड नहीं कर रही हूँ. आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग ऑन सैटरडे ऑल्सो बिकॉज सैटरडे को आई हैव समथिंग प्लान. सो येस आई एम गोना व्लॉग सैटरडे को भी एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग. सी यू ऑन सैटरडे. सो गाइज इट इज सैटरडे और आज मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर टू हैव लंच. एंड काफ़ी टाइम से हमारा प्लान था टू हैव लाइक अ लंच डेट. शी इज टेकिंग आउट ऑन अ डेट एंड ऑल्सो मेरा जो ऑफिस फ्रेंड है ही इज टेकिंग आउट हीज बेस्ट फ्रेंड ऑन इट. सो वी डिसाइडेड वाई नॉट क्लब इट टुगेदर एंड डू अ डबल डेट. सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट. थोड़ा सा लेट हो रही हूँ बट आई जस्ट शो यू वॉट आई एम व्योरिंग इफ द एंगल इज ओके. I'm wearing this and I was like very very confused. I did not have a lot of options abhi to decide. So I just wore this. I'm like you can never go wrong with a little black dress. And maine accessories ke liye I worn this snowflake wala pendant and these are really complimenting. Abhi I'll do something with my hair. I'm planning ki inko khule hi chhod do. You know something like this. Maine straighten up kiye the ek do din pehle and abhi humidity ki wajah se मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं. सो आई जस्ट रन माई स्ट्रेटनर थ्रू वंस मोर. सो आई एम रेडी नाउ. दिस इज वॉट द लुक इज. आई वेंट फॉर द क्लासिक विंग्ड आईलाइनर एंड रेड लिप. ऑल्दो आई एम नॉट लविंग माई मेकअप दैट मच टूडे बट क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी लेट हो गई हूँ सो आई एम जस्ट गोना गो विद दिस एंड आई एम कैरिंग माई दिस छोटू ये क्या बैक पैक. अभी मुझे सिर्फ शूज पहने एंड देन आई विल बी लीविंग. ओ मेट्रो कार्ड मैं लेना भूल गई. दीज आर द शूज दैट आई एम वियरिंग माई पॉन्टी टो बूट्स. आई लव दीज बूट्स. दीज बूट्स आर द रीजन जिसके वजह से आज मैंने ये ड्रेस पहना है. आई जस्ट क्विकली वेयर देम एंड आई लीव एंड आई टेक यू गाइज अलॉन्ग. मेरे मेट्रो कार्ड वगैरह पता नहीं कहाँ है अभी. नाउ दैट आई एम रेडी दिस इज माई एंटायर लुक. दिस इज हाउ द बूट्स आर लुकिंग विद द ड्रेस एंड दिस इज माई क्यूटसी बैक पैक. आई एम ऑल रेडी. आई एम लीविंग. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो हाउ डू यू लाइक माई आउटफिट. बाई. तो मैं और रिया यहाँ पे मिलने वाले हैं. रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड देन गुलशन एंड दमन हम लोगों को दो स्टेशन आगे दो चार स्टेशन आगे देयर इज बोटानिकल गार्डन वहाँ पे मिलने वाले हैं. सो एज यूजल आई एम अर्ली. इस बार आई कैन नॉट ब्लेम रिया क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ इसलिए आई एम वेटिंग. बट देन ये एकदम रूटीन हो चुका है दैट आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन ऑर द अदर. सो आई विल जस्ट वेट फॉर हर टू अराइव एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हियर. काफ़ी ज़्यादा इधर भीड़ है एंड पहली बार आई एम लाइक व्लॉगिंग ऐसे इन पब्लिक एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू गेट कॉन्शियस ताकि मैं अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ. बट मुझे थोड़ा थोड़ा घबराहट फिर भी हो रही है बिकॉज द मोमेंट आई टेक आउट माई फोन एंड ओपन द कैमरा एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग एट मी. बट देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टुडे. फाइनली शी इज हियर एंड जो तूने अभी बोला था पहले रिपीट कर. ठीक ठाक लग रही है. नहीं जो बोला था वही रिपीट कर. ठीक ठाक लग रही है. मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज. मुझे पता है ये बात. ये आ गई. मैं रिकॉर्ड करने के लिए वेट कर रही थी और मैंने पहचाना ही नहीं पता नहीं कब पहुंच गई. सो अभी हम लोग यहाँ से मेट्रो से जाने वाले बोटानिकल. कैसे हो तुम? पहुंच गया मयूर विहार फेज वन. और इन लोगों को बोला था कि हमें वहाँ पे उतरना है बट इन लोगों ने मुझे बिल्कुल याद नहीं दिलाया. हम पहुंच गए अक्षरधाम. तो फिर हम लोग अभी वापस आए हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने आ गए और हम लोगों ने यहाँ पे सैंडविच एंड मोमोज लिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा भाई आते हैं. तो सैंडविच तो हमने जैसे तैसे खत्म कर लिया. मोमोज हम नहीं खत्म कर पाए. मैंने खत्म किया उसको सिर्फ मैंने क्योंकि तुझे ही भूख लगी थी. हम दमन को छोड़ के आ गए थे. अब ये वापस आ गया. चलो चलते. तो अभी हम लोग पिंक लाइन से जा रहे हैं. यहाँ से हम लोगों को जाना है भीकाजी कामाजी पैलेस समथिंग लाइक दैट. एंड फिर वहां से हम लोग देखेंगे कि हमें आगे कैसे जाना है. मेट्रो स्टेशन से हमने ऑटो लिया. इट कॉस्टेड एट 80 रुपीस और हम लोग इधर आ गए. ये तो इजाक आया है. ब्रो तू अपने मैप में देख. मैंने कहा था ना इसलिए मुझे गुल्लू पे ट्रस्ट नहीं है. पता नहीं कहाँ ले आए. तुम रेस्टोरेंट ढूंढो. इतनी धूप में मुझे सड़क पे नहीं घूमना है. व्हाट हैपेंड? आधा घंटा. अब हम इतनी धूप में आधे घंटे कहाँ जाएं? इसको स्टार्ट होने में आधा घंटा लगेगा. तो मेन वेल वी गो टू दिस कैफे. वो यहाँ पे काफी सारे गेम्स है. हम खेल सकते हैं. चलो ओए जेंगा. I have this one. चलो जेंगा खेलेंगे.
ले चल। अब हम यहाँ पे कॉफी एंड गेम्स करेंगे। ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे QR कोड से स्कैन करके ऑर्डर देना। वाईफाई का भी है। मुझे नहीं खेलना, मुझे ये खेल। तुझे कुछ खाना है यहाँ पे? जो भी क्वेश्चन लिखा उसे ऑनेस्टली आंसर करते हैं। This looks so fancy. Ooh, let me try it out. ये दमन का। नहीं ये भी किसी और का ही है। मेरा दूसरा है, ये तेरा है। मैं try कर लेती हूँ। लेकिन how is it? नहीं पसंद है? Bro, अभी attack नहीं था। Yeah, why can I not be pochi? ये हमेशा लूजर्स विनर्स से ज्यादा खुश क्यों होते हैं? लूजर नंबर 3 आ रही हूँ। चल फाइनली लिटिल सोनम आ गए। ओ करो ऑर्डर भाई। डू यू हैव वेजिटेरियन ऑप्शंस आल्सो? इसमें से वेजिटेरियन क्या है? इसमें चिकन ही रहेगा ना, लाइक पोर्क और बीफ तो नहीं रहेगा ना। टोकोकी सजेस्ट। टोकोकी विद एग उसमें भी नहीं रहेगा ना, कुछ चिकन वगैरह। एंड वन वेज केबाब, वेज एंड किमची रामेन। सब की थोड़ा स्पाइसी ज्यादा रखना। हाँ जी, थोड़ा सा तीखा रखना। ये साइड्स है इतने सारे, इन लोगों के में साइड्स का कल्चर काफी ज्यादा है। हाँ ये मैंने हाथ देखा था, लाइक क्योंकि पेंसिल यूज करना पड़ता है। हाँ दैट लाइक उससे पता चलेगा कि हाउ एग्जैक्टली यू आर टू यूज योर चॉपस्टिक्स। क्योंकि दोनों ऊपर से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, मतलब होता तो इसके बाद भी ज्यादा कुछ। मैं क्यों नहीं खाऊंगी? बट ट्राई ना, गिव इट अ शॉट। अरे ट्राई तो कर, ट्राई सी। अच्छा चिकन वाला पोर्शन।
गर्म है है मुझे तो ऐसे लग रहा ठंडा है सुशी ट्राई करो सब आई एम रिकॉर्डिंग यू गाइस इज रिएक्शन रेट आउट ऑफ फाइव फोर ओ इज इट सो गुड ओ नहीं ये था ना टॉक बॉकी विद एग अंडा अगर आप अभी दिल्ली आओ तो यहाँ अंडा खाने आ जाना की ऑर्डर कर दो अंडा। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं रेस्टोरेंट से एंड रिव्यू टाइम हाइजीन 0/5 कॉकरोच चल रहे थे हमारे साइड में जिसकी वजह से हम लोगों को खाने का मन खराब हो गया था। द फूड वॉज लाइक ओके मे बी सबका टेस्ट पैलेट अलग होता है फॉर मी इट वॉज लाइक ओवरऑल आई'd से 2.5 इट वॉज बिलो एवरेज नॉट इवन एवरेज अभी भूख गई थी मैं बट या एक बार ट्राई कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू लाइक गिव कोरियन फूड अ ट्राई हाउ मच वुड यू रेट इट आउट ऑफ व्हाट 5.5 या एग्जैक्टली इट वॉज लाइक जस्ट एवरेज बिलो एवरेज So yeah, if you want to try Korean food, you can give it a shot. But it is not something I would come again to. And also, अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया था जाके इट फेल्ट वेरी हाँ इवन देयर वर कॉकरोचेस सो बहुत सफोकेटिंग सा अंदर वो था बट देन ठीक है सबका अपना अपना टेस्ट पैलेट होता है आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच सो या अब मैं वापस जा रही हूँ घर बाय बाय Now I am back home. मेकअप मैंने हटा लिया अभी मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि आज लगे हाथों साथ साथ ही आउट्रो कर लेती हूँ वरना मैं वीडियोस के आउट्रो करना भूल जाती हूँ सो इट वॉज सच अ फन डे ओ माई गॉड दिस इज वॉट आई वॉन्ट माई डेज टू लुक लाइक मजा ही आ गया सो रिव्यू तो मैंने दे ही दिया था कोरियन वाले रेस्टोरेंट का लिटिल सोल इट इज लाइक आई थिंक इट इज something you should try out once definitely because it is definitely a different experience aur sabka taste palette alag hota hai so maybe you guys like it you never know to aap log ek bar check out kar sakte ho but then if your taste palette is anywhere near mine bas wo ramen acha tha nothing other than that was something jo ki main dobara khaungi सो आई थिंक और वो जो रामन था इट वॉज लाइक एग्जैक्टली जैसे कि मेरे इंस्टेंट रामन टेस्ट करते हैं सो आई डोंट थिंक कि मैं एक रामन खाने के लिए यहाँ से वहाँ जाऊँगी आई जस्ट ऑर्डर वो इंस्टेंट रामन का पैक एंड मेक इट माई सेल्फ सो ये तो उसका था बट देन आई थिंक मैं व्लॉग में हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती में ही बिजी हो गए थे आई फॉरगॉट टू गिव यू द रिव्यू ऑफ दैट कैफे जिसमें हम लोग जाके बैठे थे क्योंकि हमें आधे घंटे की वेटिंग थी उधर तो हम उस कैफे में बैठे थे दैट इज अ मस्ट 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 विजिट प्लेस देन इट इज सच अ क्यूट कैफे उसकी वाइब इतनी अच्छी थी इट वॉज सच अ कोजी प्लेस एंड अंदर ज्यादा लोगों की सीटिंग एक साथ थी भी नहीं तो इतना ज्यादा क्राउडेड भी नहीं रहेगा यू विल गेट योर यू नो ग्रुप का अलोन टाइम टाइप्स एंड इतने सारे वहाँ पे गेम्स भी आप लोग खेल सकते हो ऊनो एंड अ लॉट ऑफ गेम्स जेंगा भी था बट हम लोगों ने आज नहीं खेला वी प्लेड अ गेम जिसमें लाइक इट वॉज समथिंग लाइक ट्रूथ क्वेश्चन ऐसे करके था सो बड़ा मजा आ रहा था वी गॉट टू नो अ बिट मोर अबाउट ईच अदर सो इट वॉज फन सो दैट कैफे इज डेफिनेटली अ मस्ट विजिट हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा कुछ खाया नहीं सो आई कैन से कि फूड कैसा है बिकॉज वी जस्ट हैड ड्रिंक्स क्योंकि हमें कोरियन ट्राई करना तो हम लोगों ने अपना पेट पहले से नहीं भरा
एंड या दैट कैफे इज अ डेफिनेट 5/5 आई से 4/5 क्योंकि अभी मैंने वहाँ का खाना नहीं ट्राई किया है बट येस इफ यू गो एनी टाइम यू नो नियर सरोज नगर आर के पुरम वो वाले साइड में था डेफिनेटली चेक दैट रेस्टोरेंट आउट सॉरी कैफे आउट इट वॉज सो गुड लाइक मुझे तो कभी और मौका मिला था आई वुड डेफिनेटली लव टू गो देयर अगेन I'm happy that we have, you know, completed 2 years and up to 2000 भी होने वाले हैं 2K on YouTube. I think जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो हो ही चुके होंगे क्योंकि अभी भी 3 या 4 ही बचे हुए हैं. So I'm so happy, excited. And कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे numbers बढ़ रहे हैं responsibility बढ़ रही है एंड क्योंकि मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो फिर आई फील रियली रियली गिल्टी कि नाउ दैट माई नंबर्स आर इंक्रीजिंग आई एम नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट उतना ज़्यादा जैसे मैं पहले थी बट ट्रस्ट मी आई एम वर्किंग एट द बैक एंड डे एंड नाइट जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है सो जस्ट यू नो टैग अलोंग वील हैव फन अलोंग दिस जर्नी आई एम फेयरली स्टिल न्यू बिकॉज उतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स सो Yes, thank you for being a part of this journey. I hope you be a part of this journey all throughout. And I'm just getting very, very emotional because the day was super, super fun. So I'll just end this vlog right here itself. आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय